नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। सीएम योगी का बुलडोजर चुन चुन कर उन पर अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रहा है। जो नाम योगी की इस लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देने के बाद चर्चा में आए बरेली की भोजीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। बिना नक्शा पास कराए बनवाए गए पेट्रोल पंप पर जब सीएम योगी की बुलडोजर चला तो उस समय पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां तैनात की गई थी। पुलिस के जवानों के अलावा वहां पीएसी के जवानों की भी तैनाती की गई थी। 2 अप्रैल को सीएम योगी को सपा विधायक ने ये कहते हुए चेतावनी दी थी कि पहले हमारी संख्या कम थी, लेकिन इस बार अगर सीएम योगी हम पर हमला करेंगे तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। सपा विधायक के इस बयान के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उन पर कार्रवाई करने की बात कही थी। तो वहीं विवादित बयान के बाद सपा विधायक ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके इस बयान को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने इस लहजे में सीएम के लिए ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। एक तरफ सीएम योगी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो वहीं सपा विधायक के पेट्रोल पंप को ध्वस्त करने की खबर पर समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया कि यूपी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की ये तस्वीर है। लोकतंत्र के सीरियल किलर बीजेपी विपक्षियों पर बदले की भावना से सत्ता का बुलडोजर चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट बाय भारत। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में आने के साथ ही बुलडोजर की स्पीड भी तेज हो गई है। बड़े बड़े माफियाओं और हिस्ट्री सीटरों के खिलाफ योगी का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। सीएम योगी के खौफ से अपराधी खुद थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। चुनाव के दौरान सीएम योगी ने मंच से इसका ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहे मैं भारत न्यूज के साथ।